हेलो एवरीवन, नमस्कार। मु सोनाली पाढ़ी आपमनक ओडिया टीचर। आज आम पढ़ा कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। ओडियार कोटि ब्रह्मांड सुंदरी आम प्रथम काव्य जहाँ को लिखिंट कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। एकॉर्डिंग टू सिलेबस एम केवल पढ़ा प्रथम छांद को। देखु कोटि ब्रह्मांड सुंदरी हूँ गोटे विराट बड़ काव्य। यह गोटे कविता नुह। ये आपड़ जब देखिपे काव्य लिखाही तौक कविता लिखा जाए। काव्य अलग कविता अलग। कविता गोटे छोट कविता थाए जहाँकि गोटे दुईट पृष्ठ लिखा जाए बा अति बेसी तीन रु चार पृष्ठ लिखा जाए। किंतु काव्य गोटे विराट काव्य 200 400 पृष्ठ थिबा गोटे काव्य गोटे पुस्तक जहाँ को संपूर्ण जदि आपण पढ़िबे तबे जानिबे जे कवि निज जीवन समस्त सौंदर्य कवि निज जीवन समस्त अनुभव को से यही निजर समस्त क्रिएटिविटी को चिंताधारा को से यही कोटि ब्रह्मांड सुंदरी देवाई चेष्टा कर। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यटी अत्यंत सुंदर काव्य। यह पढ़ी आपणकर मन प्रफुल्लित होबनी। यार चान्स ही नुह यार मान सुविधा ही ना जे आप पढ़े कि आपणकर मन को भल लगे। आज पर्यंत संपूर्ण भाव मुझे पढ़ी पारिनी। बहुत बड़ काव्य अच्छी ये तेणु यही संपूर्ण काव्यरु क्वेश्चन आमर एग्जाम आसवनी। ये आप देखुं कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रथम छांद देवार कारण 35 छांद अच्छी। 35 छांद कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर अलग अलग भाग को एक्सप्लेन करविता दे सेमु केवल प्रथम छांद ही आम पढ़ा एवं प्रथम छांदर ही आपणकर क्वेश्चन आसो। तेणु द्वितीय छांद तृतीय छांद बा संपूर्ण स्टोरी टी कौन होता पुष्पकेतु कौन है कोटि ब्रह्मांड सुंदरी कौन है शेष से से सब प्रति आम ध्यान देवा ना केवल बेसिक्स जाना कोटि ब्रह्मांड सुंदरी क्या पर्यवेसित नायक किए नायिका किए बा कथार स्टोरीटा कौन विषय कौन यही काव्यर ताहा ही आम जाना से क्वेश्चन पचारि पार। एवं द्वितीय मोस्ट इम्पोर्टेंट हूँ जो प्रथम छंद रही मंगलाचरण ताहा हूँ इम्पोर्टेंट। ताहार प्रत्येक धाड़ी धाड़ी आम पढ़ा बाकी कह प्रत्येक पाद को आम पढ़ा जो थी कि परीक्षा क्वेश्चन आसी था। ओके सो देखा यह देखा पूर्व माने मंगलाचरण बा प्रथम छंद को देखा पूर्व प्रथम देखीद कोटि ब्रह्मांड सुंदरी कौन। ओके देखंतु कोटि ब्रह्मांड सुंदरी लिखिछंति बा कवि होछंति कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। से थिले रीतिजुगर कवि केवल रीतिजुगर कवि कहिबिनि से थिले रीतिजुगर श्रेष्ठ कवि। किपरि काव्य काल्पनिक काव्य कवि सम्राट उपेन्द्र भंज अनेक प्रकार काव्य रचना करि जाइछंति सेथिमध्यरु किछि पौराणिक काव्य अर्थात किछि पौराणिक तथ्य उपरे आधारित सत्य घटना उपरे आधारित काव्य किछि ताकर काल्पनिक काव्य अर्थात काल्पनिक अर्थ जहार चरित्र माने प्रकृत जीवन रे नथांति से केवल तांको मनर गढ़णी। एही कोटि कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य मध्य कवि निजर कल्पनारे तयारी करछन्ति से गोटे काल्पनिक काव्य। एहा छांद अच्छे 35 छांद 35 छांद लिखा जाए। देखु समय के समय रे कवि यह लिखिंट जीवन रेष भाग आम कह परिपक्व बयस आम कह वृद्धावस्था आपण को क्वेश्चन जदि पचार परीक्षा जे कवि के समय काव्य को लिखिंट तेज आपणकर ऑप्शन आसबार चांसेस अधिक थाए मुझे जो केवल जीवन रेष भाग लिखिदेवि कि एग्जाम आपको परिपक्व बयस पचार वृद्धावस्था पचार तेज आपण के बुझीनवा को पड़ो तेज कहीं समय से लिखिं कवि सम्राट उपेन्द्र भंज पौराणिक धारा व पौराणिक तथ्यवल काव्य लिखि सारापर से एते अनुभूति भगवान प्रति एते श्रद्धा भाव एवं एते अलौकिक घटना विषय पढ़िले जाणिले शुणिले जे से गोटे पूर्ण कलस अभिज्ञतार पूर्ण कलस को से साउंटी रखिले से भितर माने से ही पौराणिक काव्य लिखा समय
एवं से सबू को व्यवहार करी जो सब शब्द माधुर्य श्रुति माधुर्य बा उन्नत कौशल शब्द उन्नत व्यवहारिक शब्द को व्यवहार करी से एही काव्य को रचना करछन्ती। अर्थात कहिबाकु गले से तांकर संपूर्ण जीवन रे जेते मध्य अनुभव एक्सपीरियंस पाइथिले ताकु व्यवहार करी से गोटे कल्पना रचिछन्ती। से लिखिछन्ती कोटि ब्रह्मांड सुंदरी एवं जीवनर शेष समय आसा बेलू मनुष्य अनेक एक्सपीरियंस गेन कर सारी थाए अनेक अनुभूति हासिल कर सारी थाए से ही अनुभूति को व्यवहार करिछंती बोली तांकर एही काव्य रो जणा पडुछि। ठीक अछि, काव्यटी कहाँ उपरे रचना करा जायछि? काव्यटी रचना करा जायछि पाटलिपुत्रर राजकुमार पुष्पकेतु। पाटलिपुत्र कौन? मगधर राजधानी पाटलिपुत्र। आपण मगध कौन जानिथिबे, पाटलिपुत्र कौन जानिथिबे, अशोका द ग्रेट अशोका किंग विषय जानिथिबे। ग्रेट अशोका किंग कर जो मगध थिला तार राजधानी होछि पाटलिपुत्र, तार अन्य नाम होछि पुष्पपुर। एही पुष्पपुरर राजकुमार होछन्ति पुष्पकेतु। ठीक अछि, पाटलिपुत्रर अन्य नाम होछि पुष्पपुर। एही पुष्पपुरर आमर राजकुमार होछन्ति पुष्पकेतु। एही पुष्पकेतु एवं चंपा नगरीर राजकुमारी कोटि ब्रह्मांड सुंदरीक प्रणय लीला बा प्रीति लीला बा प्रेम लीला। एही दुई जना नायक एवं नायिकांकर स्टोरी उपरे विषय केंद्रीभूत करिछन्ति कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। एही काव्यर सबुठारु अधिक आकर्षण कौन? लौकिक घटना अलौकिक घटना सबु किपरि भाबरे घटिथाय, तंत्र मंत्र आदिर सन्निवेश। साधारण भावरे जदि टीवी सीरियल रु बा कोनोसी बही रु पढ़ी आमे तंत्र मंत्र सिखिबा को जस्ट बा जा आमे कहिबा को चेष्टा करिबा हुए त आमर आसिबो बा न आसिबो। जेपरि कि जे कोनोसी जादू जादू टोना हिंदी भूत सीरियल ओडिया भूत सीरियल जहां भी आपण देखुचंती किपरि भाबरे से माने गुणी माने बा तांत्रिक माने किपरि भाबरे व्यवहार करुचंती ताठु अत्यधिक सौंदर्य माने अत्यधिक स्ट्रॉंग बहुत अधिक सुदृढ़ तंत्र मंत्र व्यवहार करछंती। जेउ तंत्र मंत्र को सुनिले बा पढ़ीबा बेले जेतेबेले आमे से तंत्र मंत्र जदि आमे कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य को पढ़ीबा सेठारे एही तंत्र मंत्र को कवि लिखिछंती, किंतु से प्रकृत तंत्र मंत्र नहि, से सबु शब्द मध्य तांकर काल्पनिक, किंतु जे पाठक पढ़ीबो सी से ही तंत्र मंत्र पढ़ा समय ताको जेपर लगे जे एही ठाकुर को पूजिबा पाई एही मंत्र हेउछि सत्य। एते से तंत्र मंत्र जो शब्द व्यवहार करछन्ती एते ताहा सुदृढ़ एते ताहा सत भली लगे जे जणा पड़ब एही तंत्र मंत्र से ही ठाकुर पाई ही उद्दिष्ट। कवि एहाको आम पाई ही लिखिछन्ती। तंत्र मंत्र आदिर सन्निवेश फलरे काव्यटी आकर्षणीय होइपछि। आगको देखिबा तुलना, एही कोटि ब्रह्मांड सुंदरी को कहाँ सह तुलना करा जाइछि? संस्कृत साहित्यर नैषध काव्य सह जहाँ कि घेना नैषध पराए काव्य सह तुलना करा जाइछि। कौन कुहा जाए, कहा को कौन कुहा जाए, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य को कौन कुहा जाए? एहा को कुहा जाए शब्द शिल्पर माइल खुंट। माइल खुंट माने आपण जानुछंती कौन? जेते बेले कोनोसी रेस चली थाए सेठी सेमानको किछि टार्गेट दिया जाए किछि हर्डल्स दिया जाए थाए गोटे हर्डल्स पार करी। फॉर एग्जांपल देखंतु गोटे 400 मीटर जदि रनिंग रेस हला ताले प्रति 100 मीटर रे गोटे गोटे फ्लाग लगा जाइथिबो बा गोटे गोटे खुंटी लगा जाइथिबो जो द्वारा कि प्रतियोगी प्रतियोगिता रे भाग नैथिबा प्रतियोगी माने जानि परिबे जे हां एठारे मोर 100 मीटर कंप्लीट हला मते 300 मीटर रन करिवार अछि। बुझि परले? एहा को एहा हेउछि माइल, ताको माइल खुंटा कहा जाए। गोटे लेवल क्रॉस कर दबा माने गोटे बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल करिबा। एवं एही कोटि ब्रह्मांड सुंदरी रे व्यवहार होइतिबा शब्द गुड़िक अति उन्नत मानर अति आधुनिक अति आधुनिकता कहि हेबनी किंतु आधुनिक लोक माने पढ़िले भी सेथरु खुशी पाइबे। एहीपरि भावरे जेपरी किछि किछि जिनस था जेपरी कि फॉर एग्जांपल सुना सुना कुहा जाए कि बहुत पुरुणा सुना के बहुत अच्छी किंतु आघ कालर स्त्री लोक माने सुना को जेपरी पसंद करुछंती वर्तमान रो झियो स्त्री माने मध्ये सेपरी ही सुना को पसंद करुछंती। तो सुनार डिजाइन सुनार अलंकार केबे मध्ये पुरुणा हेबो नाही। ठीक सेहीपरी एही शब्द गुडी को एते सुंदर भावरे व्यवहार करा जाय छी एही काव्य रे जे
ଯେଉଁ ଯୁଗର ମଣିଷ ଏହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତାହା ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏହି କାବ୍ୟକୁ ଶବ୍ଦ ଶିଳ୍ପର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ଏହି କାବ୍ୟଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟଟି ଅନ୍ୟ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଲେଭେଲ ପଳେଇଲା। ୟାର ଉପରକୁ ଯିବାବାଲା କାବ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି 63 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଛାନ୍ଦ କ'ଣ ବା ପଦ କ'ଣ ପାଦ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଛନ୍ଦ, ତୃତୀୟ ଛନ୍ଦ। ଆମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟଟି 35 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା 35 ଭାଗ। କ୍ଲିୟର, 35 ଭାଗ ଶେଷ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ପୁଷ୍ପକେତୁ ରାଜାଙ୍କ ମିଳନ ହେତୁ ସଖୀମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ, ଏହା ଏହି 35 ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ପାଦ କ'ଣ ଏବଂ ପଦ କ'ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଅଳଙ୍କାର ଛନ୍ଦ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କବିତା ରଚନା କରାଯାଏ ତାକୁ କିଛି ଛନ୍ଦରେ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣ କୋବିତେ ଭାରତ ଖଣ୍ଡେ ପୁଣ୍ୟଧାମ, ଯେଣୁ ନାରାୟଣ ଦେହି ତେଣୁ ସେହି ନାମ ହେ। ଏତିକ କହିବା ପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଏକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିକୁ ହିଁ ପାଦ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁଇଟି ପାଦ, ଗୋଟିଏ ପାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପାଦକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଲିୟର, ଦୁଇଟି ପାଦକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଯଦି କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଏହା ଦେଖେଇବାର ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କେତୋଟି ପଦ ରହିଛି। ଆସିବ, ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ, ଦେଖିପାରିଲେ କେତେ ଅଛି, 63, ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି 62 ନମ୍ବର ପଦ, ଇଏ ହେଉଛି 63 ନମ୍ବର ପଦ। ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟଟିରେ କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆମର ଆନ୍ସର ହେବ 35 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଚାରିବ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ତେବେ ଆମର ହୋଇଯିବ 63 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଲା ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ତେବେ 63 ଗୁଣନ 2 କରିଦେବେ, ଲେଖିଦେବେ, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବା ଗୋଟିଏ ପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ଠିକ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଦେଖିବା, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପାଦଟି ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ରହିଛି 14 ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ 14 ହିଁ ଅକ୍ଷର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହେ ହେ, ଏହି ହେ କୁ ମିଶାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଆମର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଯାଏ 35, ଠିକ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ 62 ନମ୍ବରଟାକୁ ମୁଁ ଗଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ 63 ନମ୍ବରଟାକୁ ଗଣିକି ଦେଖାଉଛି, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ଠିକ ଅଛି, କେତେ ଆସିଲା, 14। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି, 1, 2,
चार पांच छ सात आठ नौ दस एगार बार तेर चौदह पंदर केते आसला पंदर। क्लीयर बुझिपारे? सो वर्तमान आमे गोटे थर लास्ट डिस्कस करदबा जे आमर कोटी ब्रह्मांड सुंदरी काव्यटी पंच तीरिशी छांद लेखा जाइछि। प्रथम छांद आमर तेसठी पद अछि। ओके, दुईटी पदरे दुईटी सॉरी क्षमा करिवे दुईटी पादरे गोटिए पद होइछि। प्रथम छांदरे दुईटी पादरे गोटिए पद होइछि। गोटिए पादर अक्षर बा प्रथम गोटिए तो कहिबा नि प्रथम कहिबा जेहेतु अलग अलग अछि प्रथम एवं द्वितीय कहिबा। प्रथम पादर अक्षर संख्या चौदह एवं द्वितीय पादर अक्षर संख्या पंदर। एतिक आपण मन रखिले वर्तमान जीवा नेक्स्ट आगो का केउठी अटकी थिले कोटि ब्रह्मांड सुंदरी विषय पढ़ा समय देखंतु आमे अटकी थिले पाद एवं पदरे। एथिरे रहुछि दुई पादरे गोटिए पद होइथे। मुं आपणंकु कहिली गोटिए पाद दुई पाद गोटिए धाड़ी प्रथम पाद द्वितीय धाड़ी द्वितीय पाद एवं एही दुईटी पादरे गोटिए पद होइथे। एथि मध्यरे गोटिए अटकी गला जहाकि थिला राग। आपणंकु पचरा जीव एक्चुअली रागटा आमर मंगलाचरण पे मंगलाचरण जो प्रथम छांद अछि सेही छांद केउ राग रे लिखित तार राग कौन ताहले मंगल गुजरी। बुझी पारले? गोटे क्विक रिकॉल गोटे क्विक रिविजन देखिदबा। फर्स्ट पेज रे आमे कौन पढ़िले कोटि ब्रह्मांड सुंदरी लिखिछंती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। से होछंती रीति जुगर श्रेष्ठ कवि। एहा एक तांको द्वारा रचित काल्पनिक काव्य सत्य आधारित काव्य नुहे। पंचतीसटी छांद उपरे लेखा जाइछि एवं से एहा को निजर परिपक्व वयसरे लिखिछंती। विषयटी आधार होइछि पाटलिपुत्रर राजपुत्र बा राजकुमार पुष्पकेतु ओ चंपा नगरर राजकुमारी राजकन्या कोटि ब्रह्मांड सुंदरीक प्रणय लीला बा प्रेम लीला उपरे। आकर्षणर विषय होउछि एथरे जेउ लौकिक घटना तंत्र मंत्र आदिर सन्निवेश फळरे काव्यटी आकर्षणीय होइपारिछि एवं एहाकु संस्कृत साहित्यर नैषध काव्य सह तुलना करा जाइछि। नैषध काव्य तार नाँटी होउछि घेन नैषध पराए। कौन कहा जाए यही काव्य को शिल्प शब्दर बा सॉरी क्षमा करेंगे शब्द शिल्पर माइल खुंट बोली कहा जाए। माने गोटे शिल्प जो थी कि शब्द को तैयारी करा जाउची से शब्द शिल्पर गोटे माइल खुंट अर्थात यही काव्यटी काव्य रे व्यवहार होउथिबा शब्द मानकर लेवल को एते ऊपर को नहीं गला। बुझी पारले? देन आसुची प्रथम छांद तेसठी पद विशिष्ट यही छांद अर्थात प्रथम छांदरे तेसठी पद रही प्रत्येक पदरे दुईटी पाद रही प्रत्येक पादरे प्रथम दुईटी पाद मध्य प्रथम पादर संख्या चौदह एवं द्वितीय पाद। नेक्स्ट आम देखा पादरे अक्षर संख्या केते। आम देखिले कोटि ब्रह्मांड सुंदरी दुई पादरे गोटिए पद होइथाय एवं एठारे मु चौदह लिखी बट आपण लिखंतु प्रथम पादरे चौदह एवं द्वितीय पादरे पंदर। प्रथम छांद हेउछि बा जो छांद विषय आम पढ़ुचे ताकि मंगलाचरण केऊ क्षेत्र विषय वर्णना करा जाइछि पुरुषोत्तम क्षेत्र अर्थात श्री जगन्नाथ क्षेत्र अर्थात पुरी। एहा को शंख क्षेत्र मध्य कहा जाए एवं एही शंख क्षेत्र नामक शब्दटा आमर मंगलाचरण रे मध्य रहिछि प्रथम छंद रे। तेणु आपण एग्जाम रे पचार दे पारे जे पुरुषोत्तम क्षेत्र पई अन्य केऊ शब्दटी व्यवहार करा जाइछि अन्य केऊ नामटी व्यवहार करा जाइछि तेणु आपण लिखि दे पारंती शंख क्षेत्र आमे पीडीएफ रे देलाबेले मु देइ देबी आपनकु। यहपर हूँ इष्टदेव कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर इष्टदेव हूँ श्री जगन्नाथ। कवि दृष्टि देख कवि दृष्टि रचनाटी किपरी जाई फुलपरी अर्थात जाई फुलर महक जेपरी लोक मान मन को मोहित करें जाई फुलर महक जेपरी लोक मैंने आकर्षित हो आसी था ठीक सही परी एही कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर सौंदर्य यार रस लोक मैंने आकर्षित हे बोली से कहते पंडित मैंने कौन करेंगे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज मतरे पंडित मैंने कौन करेंगे यार अर्थ हो पंडित मैंने भ्रमर परी काव्य फुलर रस आस्वादना करेंगे अर्थात भ्रमर जेपरी फुलर पाख फुल पाखक जा फुलर संपूर्ण रस को आस्वादन करदे मैंने शोषी दिए
से फूल पाखक किपरि जाए भ्रमर फूलर सुगंधरे ठीक सहीपरि जिए प्रकृतरे पंडित होइथिबो सही पंडित एही काव्यर सौंदर्य को अनुभव करिपारिबो एवं एहार रस आस्वादन करिपारिबो। तेणु से कहिछंती जो माने पंडित एही काव्यर सौंदर्य को आपे आपे बुझिपारिबे, किंतु जो माने पंडित नुहंती मूर्ख गण सेमानंकु न बुझा पड़िले मध्य बा सेमाने एही काव्यरे असंख्य भूल भ्रांति बाहर कले मध्य दोष त्रुटि बाहर कले मध्य तांकर किछि जाय आसे नाही। नायक के अर्थात एही काव्यटी जहाँ उपरे विषय केन्द्र करी करा जाए छि से नायक के से होचंती पुष्पकेतु। पुष्पकेतु होचंती पुष्पपुरर राजपुत्र अर्थात आमे मु आपनको कहि सारी छि पूर्वरु मगधर राजधानी द ग्रेट किंग अशोका जहाँ आपण पढ़ी तांकर राजधानी होची पाटलिपुत्र एवं पाटलिपुत्र अन्य नाम होची पुष्पपुर ताहार राजपुत्र थिले पुष्पकेतु। एवं नायिका होचंती कोटी ब्रह्मांड सुंदरी जिए कि थिले चंपा नगरीर राजकन्या। पुष्पकेतु जे नायक तांको पितांको नाम थिला दीप्तिसार एवं कोटि ब्रह्मांड सुंदरींकर पिताको नाम थिला विश्वानंद। एबे मातांको नामरे देखंतु दुई प्रकार द्वंद आसिथाय, गोटे होची विचित्रकला एवं अन्यटी होची रतिमर्दा। जदि आपणको पचारे मांको नाम कोण, गोटे कोटि ब्रह्मांड सुंदरींकर मातांको नाम कोण, आपण लिखि दे पारिबे विचित्रकला। किंतु जदि आपणको पचारे से कहा औरसरु जन्मग्रहण करले तबे ताहा होय जाय रतिमर्दा। कवित्व कवित्व अर्थात एठारे कवित्वर अर्थ कोण, कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक जो कवित्व गुणटा आसीला से किपर आसला, से कवि सम्राट उपेन्द्र भंज राम तारका मंत्र जप करते जहाँ फल कि आशीर्वाद रे कि कवित्व लाभ मिलता। एवं अन्य गोटे अच्छी नयागढ़ जो राजा थे से कवि सम्राट उपेन्द्र भंज को वीरवर उपाधि देते आछ जहाँकि पीडीएफ रे देदेवी। ठीक अच्छे तांकर पितांक नाम कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कौठ आए थे घुमुसर राज परिवार राजकुमार, तांकर बापा होछन्ति नीलकंठ भंज। ठीक अच्छे एवं जो यहाँ आम प्रथम छंदटी आरंभ करवा सेटा हेब आपणकर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एही टॉपिक उपरे। एहार कारण हेउछि एबे जहाँ मध्य आमे डिस्कस करिले ताहा कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य उपरे थिला जहाँ बेसिक बेसिक पॉइंट्स क्वेश्चन एग्जाम रे आसी थाए। लास्ट किछि इयर्स जे आपण देखिबे क्वेश्चन पेपर चेक करिबे तबे आपण ए सब क्वेश्चन एथिरु ही पाइबे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हे थाउछि जे एहा रीति जुगर काल्पनिक काव्य आमे मु दुई थरा आपणको कहि सलेनी आउ कहिबिनी अननेसेसरी टाइम वेस्ट हबा आपण मानकर। सो मंगलाचरण जो आमे प्रथम छांदटी पढ़ीबा सेथिरे आपण लाइन बाय लाइन आपणको वर्ड र मीनिंग बुझियाको पड़िबो, कारण जदि गवर्नमेंट आपणको पई एग्जाम को टफ करियाको चाहिबो तबे सेही छांदरु ही प्रथम छांदरु ही क्वेश्चन मॉडिफाई करी पचारि परिबो। अर्थ मानकर अर्थ पचारि परिबो केउं व्यक्ति पई कोण केउं व्यक्ति पई कोण शब्द व्यवहार करा जाय छि ताहा पचारि दे परिबो। ओके वर्तमान आमे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु त कोण पडिबो एग्जाम रे आमे डिस्कस करिले। मु इठे आपनको कहि दउ छि कोटि ब्रह्मांड सुंदरी एही काव्यटी रो मूल तत्व कोण अर्थात मूल विषयटी कोण रही छि आरंभ केउंठ होइ छि। एहा हेउछि चंपा नगरीर राजा थिले विश्वानंद जी जहाँकर कि पुत्र संतान तो थिले किंतु पुत्री संतान नथिले। एवं आपण माने सुनिथिबे गोटे कथा रहिछि आमर कन्यादान महापूर्ण, कन्या को दान करिबा अर्थात निजर कन्या संतानर निज पुत्रीर विवाह दबा द्वारा पिता एवं माता को अनेक पुण्य प्राप्ति होइथाय। किंतु जेहेतु विश्वानंदकर कोनोसी पुत्री संतान नथिले पुत्री नथिले तेणु तांकर मंत्री कर उपदेश क्रम से पुण्य अर्जन करने तीर्थ बुलाक लगले। एवं दिने तीर्थ बुलूबुलु से देखिले जे भगवान क्यों भगवान ब्रह्मा ब्रह्मा आमर जो सृष्टिकर्ता रही बाहन होची हंस, गोटे हंस को गोटे राक्षस धरी उड़ी आकाश में धरी चलु से ही राक्षस कबल से ही हंस को रक्षा कर तांकर एही कार्यरे खुशी हे कहार राजांकर एही कार्यरे खुशी हो आमर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तांको एही आशीर्वाद देइथिले जे तांको कोटि ब्रह्मांड सुंदरी भली गोटे सुंदरी कन्यार पिता हेबार सुजोग मिलिबो।
ठीक अच्छे एवं एहा परे आरंभ होची स्टोरी आगो को बढ़िबो जते बेले की कोटी ब्रह्मांड सुंदरी एवं अमर पुष्प केतु नायक जी की जहांकर की मिलन घटिबो जहांक मधरे प्रेम संपर्क सृष्टि हेबो एवं सेमानकर स्टोरी एही परिभावे आगो को बढ़िची। तो टोटली बेसिकली पॉइंट होची एठी जे गंगार कूल रे बुड़ पकेबा समय रे जते बेले विश्वानंद राजा देखी देले जे हंसटी को राक्षस उड़े नहीं जाउची से ही राक्षस ठारु से ही हंस को रक्षा करने द्वारा ब्रह्मांकर आशीर्वाद रे तांको कोटी ब्रह्मांड सुंदरी कन्या रूप रे प्राप्त होइतिले। ठीक अछि, सो नेक्स्ट मंगलाचरण आमे नेक्स्ट क्लास तो स्टार्ट करिबा। मु तो डिसाइड करि हिथिली गोटे क्लास से सब करिबा, बट आई थिंक मंगलाचरण आपनकर बहुत 63टा अछि, ताको एक्सप्लेन कला बेले आउ गोटे क्लास निश्चित भाबले दरकार पडिबो। सो थैंक यू सो मच। क्लास किपरि लागिला बा कोन बुझा न पडिला आपन माने निश्चय जणैबे।